नमस्कार दोस्तों, मैं राजकिशोर आज इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों कि जब छत के ऊपर फर्श करते हैं दोस्तों तो उसमें किस प्रकार से ढलान देना चाहिए दोस्तों, कितने फुट में कितने इंच का ढलान देना चाहिए। तो मैं बहुत बढ़िया तरह से आज समझाया हूं दोस्तों। कल की वीडियो में बताया था जब लहरिया टाइल लगाते हैं उसमें उसका चाल किस प्रकार से बना जाता है दोस्तों, तो आज मैं बताऊँगा दोस्तों जो पानी का ढलान किस प्रकार से दोस्तों बनाया जाता है। तो वीडियो देखें दोस्तों और समझें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लेवल करने के लिए दोस्तों सबसे पहले एक लेवल पाइप की ज़रूरत होता है और इंची टेप की ज़रूरत होता है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों जहां पानी का ढलान देना होता है वहीं से हमको मतलब कि लेवल उठाना होता है। जैसे ये हम रखे हुए हैं दोस्तों, यहाँ से 20 इंची रखे हुए हैं दोस्तों। 20 इंची पे चारों पास से लेवल का निशान लगा लेना है। मैं बहुत अच्छा तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों, तो वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों चारों पास से हम लेवल का निशान लगा लिए हैं। हमारा ये है 20x20 का है, 20x20 में हमको ढलान देना है दोस्तों। तो ये जो ईंट का ढलान होता है इसमें दोस्तों थोड़ा ज़्यादा ढलान देना होता है दोस्तों। अगर आप यही गिट्टी और बालू का बनाना होता दोस्तों तो इसमें 10 फुट में 1 इंची का ढलान देना होता है दोस्तों। तो चारों पास से लेवल का निशान चारों कोण पे लगा लेना है दोस्तों। उसके बाद में वहाँ पे हमारा दोस्तों था 20 इंची, तो ये जो टाइल वाला है इसमें दोस्तों 10 फुट में 1.5 इंची का ढाल देते हैं। तो यहाँ हमारा दोस्तों है 17 इंची, यानी कि वहाँ 20 है यहाँ 17 है, तो 3 इंची का ढलान हो गया दोस्तों। और इस कोने में हम दोस्तों 1 इंची थोड़ा ज़्यादा उठा कर रखेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे हम दोस्तों 16 इंची रख दिए हैं, 16 इंची रख दिए, यानी कि यहाँ से 4 इंची का हमारा ढलान हो गया, वहाँ से 3 इंची का ढलान हो गया, और यहाँ से दोस्तों हमारा 2 इंची का ढलान हो गया यहाँ से हमारा। उसके बाद दोस्तों फर्श के लिए इस प्रकार से दोस्तों यहीं से बांध के सूता पहले ये वाला उठा लेना है इस प्रकार से, उसके बाद में ये वाला उठा लेना है इस प्रकार से, जैसे कि देख सकते हैं ये वाला। आप चाहे तो इसको मसाले से भी लगा सकते हैं दोस्तों, चाहे तो आप मिट्टी के गारे से भी लगा सकते हैं इस प्रकार से दोस्तों। और उस प्रकार से चारों पास से पहले हसिया बांध दे अच्छी तरह से, उसके बाद में अच्छी तरह आपको ढलान हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद चाहे तो आप इधर से भी लगा सकते हैं दोस्तों, चाहे आप उधर से भी लगा सकते हैं, जिधर से मर्जी लगा सकते हैं दोस्तों। तो कल मैं इस वीडियो में बताया था दोस्तों जब इसका हसिया का चाल बांधना होता है तो लहरिया जब लगाते हैं तो किस प्रकार से लगाया जाता है दोस्तों, कल इस वीडियो में बताया था दोस्तों। तो दोस्तों कल कोई और टॉपिक पर हाजिर होंगे दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।